हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर्य शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंटरमीडिएट की कक्षा के लिए थर्ड सेंट्रल आइडिया लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने दो सेंट्रल आइडिया आपको दिया है, एक कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, दूसरी द ट्रू ब्यूटी, और तीसरी है फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चर। दीज थ्री सेंट्रल आइडियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर गोइंग टू अपेयर एट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020, it is very important for you. Prepare it, and I am sure that one of three, एक कोई न कोई तीन में से आ ही जाएगी और आप बढ़िया से prepare कर लेंगे। 6 mark की central idea है तो निश्चित रूप से आपको इसमें 5 marks तो मिले ही जाएंगे। इसको मैं पढ़ करके एक बार आपको सुना देता हूँ, कहीं confusion आपको ना हो और बढ़िया से आप prepare कर लें। बताने से पहले, इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे request करता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सेंट्रल आइडिया अगर अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर करें। तो आइए पढ़ करके मैं आपको बता देता हूँ। द पोयम फ्रॉम एनालॉजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट सदे इज एन इंस्पायरिंग पोयम। फुल स्टॉप यहाँ है। इट इज इवनिंग, फुल स्टॉप। द पोएट इज सिटिंग इन द चर्चयार्ड, ही expresses his deep sympathy for the poor and the simple village people lying buried in graves. They had no ambition. The sweet morning air, the twittering of birds, horns of hunters have no effect on them. He says that craze for name, fame, or money and power is useless. The rich and ambitious people should not laugh at the poor people. Death is sure to come to all sooner or later. Death levels all distinction among us. It is useless to be proud of our noble birth, position and wealth. ये central idea है। अगर आपको थोड़ा लंबा लगे कि बड़ी central idea है तो आप इसमें से यहाँ तक चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लास्ट की दो लाइन छोड़ देंगे तो भी आपकी सेंट्रल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाती है। तो ये सेंट्रल आइडिया रही। आशा है आपको निश्चित रूप से तीन में से एक आ ही जाएगी बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।